से बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम दो टिकट मलेश्वर के तथा कितने टिकट हैं, तीन टिकट, तीन है टिकट यशवंतपुर के खरीदे हैं तो कुल लागत कितनी आती है, 46 रुपये। कितनी आती है? अपने को पता नहीं है मलेश्वर के टिकट का कितना मूल्य है, मलेश्वर टिकट का, और नए अपने को पता है यशवंतपुर के टिकट का कितना मूल्य है। तो अपने मान के चलेंगे, माना ना क्या है, मलेश्वर, मलेश्वरम के टिकट का मूल्य ₹1 है। कितने टिकट का, एक टिकट का, कितने टिकट का, एक टिकट का, ठीक है ना। मलेश्वर के कितने टिकट खरीदे उसने, दो। दो कितने टिकट है, दो। और अब है दूसरा मान लेते हैं अपने यशवंतपुर के, यशवंतपुर के एक टिकट का मूल्य ₹Y है। कितने रुपए है, और इसका कितना है, ₹1। कितने बेटा है, अब मलेश्वर के कितने टिकट है, देखो मलेश्वर के दो टिकट है, मलेश्वर कितने हैं, तो मलेश्वर के दो टिकट कितने हो गए, 2x कितने हो गए, क्योंकि x को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। यशवंतपुर के कितने टिकट है, तीन है, तीन को किससे गुणा कर देंगे, y से, कितने हो गए, 3y। अब इन दोनों का मूल्य कुल मिले कितना रुपए है, 40 रुपये है कि नहीं है। ये समीकरण बन गई अपनी, एक बन गई ना। अब देखो अपने यहाँ लिख दोगे, मलेश्वर के दो टिकट, मले स्वरम के दो टिकट व यशवंतपुर के, यशवंतपुर के तीन टिकट का मूल्य का कितने रुपए है, उसकी अपने समीकरण बना दी, ठीक है ना, बन गई। अब दूसरी बार क्या करता है वो, दूसरा दूसरा कहता है यदि तीन टिकट मलेश्वर के, तीन टिकट है मलेश्वरम, मलेश्वरम के तीन टिकट, कितने टिकट है, तीन टिकट, ठीक है, तथा यशवंतपुर के कितने टिकट है, यशवंतपुर के पांच टिकट, पांच है टिकट है का मूल्य कितने रुपए है भाई, ₹74। कितने रुपए है, चौहत्तर है नहीं है। अब मलेश्वर के एक टिकट का मूल्य कितना था, एक्स था, कितना था, तो तीन टिकटों का कितना हो गया बेटा, 3x। और यशवंतपुर के एक टिकट का मूल्य, अब देखो यशवंतपुर कितना कितना टिकट है बेटा, एक टिकट का मूल्य कितना था, वाई था ना, पांच टिकटों का कितना हो गया, बराबर कितना कर दूं, समीकरण नंबर बन गई ना, दोनों बनी नहीं बनी है। अब देखिए अपने ये जो है, अब अपने दोनों समीकरण, ये समीकरण थी, इसको सही कर लेते हैं। देखो 2x+3y पक्षांतर करके 46 को इधर लाएंगे, माइनस का 46 बराबर क्या कर दें, जीरो, जीरो, ठीक है, कर देंगे। दूसरा देखो, अब ये हो गया, ये हो जाएगा a1 b1 और c1 हो जाएगा ना, पहली समीकरण है ना, ए कितना हो गया, a1 2 b1 कितना हो गया, c1 कितना हो गया, -46 हो गया ना। दूसरी समीकरण ये है ना, तो 3x+5y-74 बराबर क्या कर दें, अब a2 b2 और c2, a2 कितना है, b2 कितना है, 5, c2 कितना है, -74 हो गया। अब इसका सूत्र बनाते हैं, देखो सबसे सूत्र बनाएंगे, x y बराबर 1, क्या
क्या था? बी सी ए, क्या? बी सी ए। और दूसरा क्या है? सी ए और बी, ठीक है ना। अब बी के नीचे बी लिख दूं, सी के नीचे सी, सी ए, ए और बी, बी वन बी टू, सी वन सी टू, सी वन सी टू, ए वन ए टू, ए वन ए टू, बी वन बी टू। इन दोनों को गुणा करो, सूत्र बना रहा हूँ देखो, ठीक है ना। और एक्स बटा में क्या कर दूँ? बी वन और सी टू कोष्टक में दे दो, दोनों गुणा है, दोनों क्या है? अब इन दोनों को गुणा कर दो, क्या है? सी वन और बी टू, दोनों गुणा कर दिया ना, इन कोष्टकों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो, समझ गए? सूत्र बन जाएगा बराबर वाई। सी वन को किससे गुणा करेंगे? ए टू से, तो सी वन ए टू कोष्टक लगा दूं। दूसरी बार किसको करेंगे? ए टू को सी टू से, ए वन को, सॉरी, ए वन को सी टू से लगा दिया, बीच में किसका चिन्ह लगा दूं? बराबर एक। क्या हो गया? ए वन और बी टू कोष्टक कर दूं। फिर दूसरा क्या है? बी वन और ए टू, बी वन और ए टू कोष्ट लगा दूं, बीच में माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो गया बेटा, सूत्र बन गया अपना एक्स बटा बी वन, है ना। बी वन कितना था देखो? तीन तीन। कितना था? तीन गुणा सी टू, सी टू कितना है? -74 कोष्ट लगा दूं। फिर क्या है? सी वन क्या है? सी वन कितना है? -46 कोष्ट के अंदर ले ओ। गुणा बी टू है, बी टू कितना है? 5 कोष्ट लगा दिया बेटा। अब ओ वाई, ओ वाई का क्या है? सी वन, सी वन कितना देखो, देखा है? माइनस है। गुणा ए टू कितना है? ए टू 3। फिर क्या है? ए वन, ए वन कितना है? 2। और सी टू कितना है? माइनस है 74। हो गया एक बटा, ये आ गया ना, इसका नंबर आएगा। ए वन, ए वन कितना है देखो बेटा? 2। गुणा बी टू कितना है? बी टू 5 है ना, बी टू कितना है? 5। हो गया, कोष्ट लगा दूं। माइनस बी वन, बी वन कितना है? 3। और ए टू, ए टू कितना है? कितना है? 3। हो गया ना। अब देखो अपने इस एक्स वाले को अलग कर लो, एक्स बटा में 74 को 3 से करेंगे, 4 तिया 12, 7 तिया 21, रह गए 22, कितने हो गए? 222 किसके? माइनस के। इतने इतना ही गुणा किया आपने, फिर ये माइनस कोष्ठक, फिर माइनस कोष्ठक के अंदर 6 5 30, असलाई 3, 4 5 20 और 3 कितने हो गए? 23 किसका? माइनस का। माइनस का, एक्स का हो गया। वाई बड़ा कर दें, वाई 46 को 3 से करेंगे, 6 3 18, 6 3 18, 4 3 12 और 1 13 किसके? माइनस के। ये चिन्ह फिर माइनस का इधर रखा करो, माइनस का। फिर देखो 74 को 2 से करेंगे, 4 2 8, 7 2 14, कितने हो गए? 148 और बराबर एक। अब एक वाला ये देखो, 5 2 10 माइनस 3 3 9। अब एक्स बटा 222 माइनस क्या है ना, प्लस माइनस, माइनस 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 क्या हो गए? प्लस, कितने हो गए? 230 बराबर वाई। ये माइनस ये प्लस किसके हो गए? माइनस, माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस प्लस के कितने हो गए? 148 बराबर एक। 10 में से 9 सीधे घटा दो, कितने
कितने आ गए एक। अब अपने इसका x बटा 222 माइनस के हैं, 230 किसके हैं, प्लस के, प्लस के कितने बच गए 8। y बराबर माइनस के 138 है, प्लस के 148 है, प्लस के कितने बच गए 10। एक बटा, अब देखो इधर तो कटने वाला कोई है नहीं ना, x बटा कितना है 8 है ना, तो x का मान कितना आ गया बेटा, और y का मान कितना आ गया, तो x किसका था, मलेश्वर के टिकट का मूल्य, मलेश्वर के टिकट का मूल्य कितना है 8 रुपए, कितना है 8 रुपए, और y किसका था, यशवंतपुर के टिकट का मूल्य कितना आ गया 10 रुपए, कितना आ गया 10 रुपए। कर सकते हो पक्का।